हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करूं, तो इडली का बैटर बच गया था। करीब करीब 10-12 इडली बनेंगे उतना बैटर बचा था, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करूं जो हेल्दी भी हो टेस्टी भी हो। तो मैंने उस बैटर में पत्ता गोभी पतला पतला काट कर डाला है। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा प्याज डाला है, थोड़ा सा नारियल बचा हुआ था वो डाला है छोटे छोटे टुकड़े करके, हरी मिर्च डाली है, बेसिक मसाले डाले हैं, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, क्योंकि इससे टेस्ट भी आता है और इससे कलर भी आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और अलग कलर आएगा तो बच्चे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि जनरली वाइट कलर की इडली होती है, इसलिए मैंने डाला। यहाँ गरम मसाला का भी यूज़ किया है और काले नमक का यूज़ किया है, और इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे और 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे ताकि सारी सब्जियाँ इसमें अच्छे से मिल जाएं बैटर में। और हम लोग इसको एक तड़का देंगे ताकि इसका टेस्ट और बढ़ा सके। तो सरसों तेल लिया है और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लिया है जैसे आप देख रहे हैं, और उसके गर्म होने के बाद 1 बड़ा चम्मच हम लोग इसमें राई यानी काला सरसों या पीला सरसों जो भी है वो आप डालें, और उसमें 2-3 सूखी मिर्च आप डालें। उसके बाद जब तड़का अच्छे से तड़क जाए इसमें, तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता 8-10। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार इसको ज़रूर, कड़ी पत्ता स्किप ना करें फ्रेंड्स। और उसके बाद इसको डाल दिया, और तेल जो है ये अंदर से हमारे बैटर को सॉफ्ट करेगा, यानी इडली जो है मसाले वाली उसको सॉफ्ट करेगा। 1 चम्मच कच्चा जीरा डाला है इस, और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मेरे पास भुना हुआ बादाम था तो उसको मैंने क्रश कर लिया था, और वो भी डाल देंगे हम। देखिए यहाँ पे ये डाल रहे हैं हम लोग, और अच्छे से इसको मिलाएंगे। सफ़ेद नमक ऑलरेडी बैटर में था तो मैंने काले नमक का ही, देखिए उसके बाद हम लोग इसको स्टैंड में इस तरह से डाल दिए हैं, और कम से कम 25 मिनट तक इसको हम लोग स्टीम करेंगे, क्योंकि सारी जो वेजीज हैं अच्छे से पक जाएं। उसके बाद हम लोग देखिए इस तरह से ठंडा होने के बाद निकाल लिया, तो आप किसी सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी।